रांची के फिजाओं में क्रिकेट है और ये धोनी का शहर है, तो यहाँ हवा में भी क्रिकेट है। लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं और क्रिकेट के हर पहलू का लुफ्त उठाते हैं। जेसीए स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में क्रिकेट मैच है। बेशक बड़े खिलाड़ी विराट कोहली और बाकी लोगों को मिस करेंगे यहाँ के लोग जो हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टेडियम जो जेएससीए है उसके बाहर आप देख सकते हैं लंबी कतार है। दूर दूर तक जहां तक देखें टिकट लेने के लिए होड़ मची हुई है और लोग परेशान भी हैं क्योंकि ऑनलाइन भी बुकिंग हो रही है और ये लंबे वक्त से खड़े हैं, इनको टिकट नहीं मिल पा रहा है। क्या बता रहे हैं आप? ऑनलाइन टिकट लेके सोनू मुंडा, ऑनलाइन टिकट लिए हुए हैं हम लोगों, टिकट के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है काउंटर पे। ऑनलाइन लिए हुए फिर भी? जी। तो क्या चाह रहे थे, क्या सिस्टम होना चाहिए? जैसे हमारा सिस्टम था ऑनलाइन हम बुकिंग किए, यही जाके दिखा दे। हाँ, ऑनलाइन बुकिंग किए तो हमारा टिकट दे देना चाहिए। ऑनलाइन का कोई मतलब ही नहीं बनता, जब ऑनलाइन हम कर लिए हैं सर तो वहाँ पे आप टिकट वहाँ गेट पे ही आप बारकोड देखते और इन कर लेते हैं। और इसमें ऑफलाइन वाले का लाइन देखिए, वो देखिए, ये देखिए, और ऑफलाइन वाले में क्या हो रहा है कि लोग 100-200 रुपए दे रहे हैं और किसी लेडीज को आधार कार्ड मंगवा के लाइन में लगवा के ले रहे हैं, दूसरे को खड़े कर रहे हैं। हाँ, अमिताभ चौधरी सर थे, वो नहीं रहे, वो थे तो मैनेजमेंट अच्छी थी। अब जैसी है कि स्टेडियम की मैनेजमेंट एकदम खराब हो चुकी है, हम लोग नाखुश हैं इस बात। बर्बाद हो चुका है स्थिति, बर्बाद। लोगों ने भी ऑनलाइन लिया? हाँ, ऑनलाइन लेकर के सुबह 10 बजे से अभी तक लाइन। ऑनलाइन लेके तो कोई वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया ना सर, कोई मतलब ही नहीं बनती है। पेमेंट सब ऑनलाइन, सब सब, लेकिन फिर भी लाइन में। यहाँ पे इनको स्कैनर चाहिए, यही काम जो स्कैनर ये यहाँ ले रहे हैं वो गेट पे ले लेते हैं, गेट से एंट्री देते हैं। इनका भी टाइम बचता, हमारा भी टाइम बचता। देखिए वक्त लग रहा है काफी, ऑनलाइन लोगों ने बुक कराया हुआ है। इनका कहना है कि जहाँ एंट्री पॉइंट है वहीं स्कैन करके इनको एंट्री दे दी जाती है। जब ऑनलाइन बुक ही कर लिया तो फिर जो है क्यू में क्यों खड़ा करवाया जा रहा है, ये सवाल है। डिजिटल पेमेंट अब देखिए, हाँ ये बता रहे, क्या बता रहे बताइए। ये जो है क्या कहते हैं डिजिटल इंडिया के तहत जो हम लोग सब कुछ ऑनलाइन करते हैं, हम लोगों ने भुगतान ऑनलाइन कर दिया और ये ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करने का मतलब हमें अधिक से अधिक सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा दिख रहा है, जो समझ से दिख रहा है कि डिजिटल पेमेंट करके हम लोग पूरी तरह से फंस गए। यदि हम डायरेक्ट कैश में, ये अगर नहीं लेंगे आप टिकट तो नहीं एंट्री होगा? कौन सा? बिल्कुल नहीं होगा, टिकट के बगैर तो कोई एंट्री होना ही नहीं है। लेकिन हम लोग डिजिटल इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। बाउंड्री फाड़ने वाला सिस्टम पहला दूसरा मैच में था, अब लेकिन नहीं है, तार लगा दिया चले। हाँ हाँ, देखे कैश ही कैश इम्पोर्टेंट हो गया, आपके पास कैश है डायरेक्ट कैश आप पे कीजिए और टिकट लेकर आइए, बिल्कुल दो आदमी के बाद में। लेकिन अगर डिजिटल इंडिया का तक आप उसको फॉलो कर रहे हैं और डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं तब बुरी तरह फंस गए। डिजिटल पेमेंट जो है करने के बाद भी अगर लाइन में लगना पड़े तो उसको लेकर नाराजगी जो है साफ तौर से इन लोगों में देखी जा रही है। और यहाँ ये लोग कौन है, ये लोग सारे लोगों ने ऑनलाइन ले लिया online, कौन ये और ये देखिए, ये तमाम लोगों ने ऑनलाइन ले लिया है और ये ऑफलाइन की लाइन है। और ऑफलाइन में बिल्कुल भी लोग नहीं है, आप देखिए कुछ चंद मुट्ठी भर लोग दिख रहे होंगे आपको, ये जा रहे हैं, इनको आसानी से टिकट मिल जा रहा है। और ये जो पूरा कतार आप देख रहे हैं इन लोगों ने डिजिटल पेमेंट कर दिया है, उसके बाद भी इन्हें लाइन में कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया है, डिजिटल इन्होंने पेमेंट कर दिया है, हाँ, और उसके बाद भी इन्हें लाइन में खड़े होना पड़ रहा है और इसको लेकर नाराजगी है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये लंबी कतार है। आप लोगों का हो गया टिकट? वही तो लाइन में लगे हुए हैं, असली ये असली डिजिटल इंडिया है, ये असली में अभी लाइन में लगे हुए हम लोग वेट कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से वेट कर रहे हैं ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले आ रहे लेके जा रहे हैं। और कहाँ पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है कुछ, कहीं पैसा एक्स्ट्रा वगैरह भी लग रहा है? पैसा कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है क्या? हाँ, ऑनलाइन में कन्वीनियंस चार्ज, चार्ज भी लग रहा है हम लोग को और लाइन भी लगना पड़ रहा है इतना लेट से। मतलब 200 रूपए आप लोगों ने ज्यादा पे किया, 264 रूपए ज्यादा ले रहा है। देखिए ये लोग नाराजगी है, धूप भी है, आज कुछ दिनों से बरसात हो रही थी रांची में लेकिन आज मौसम ठीक हो गया है और धूप जो है वो उसके बावजूद जो है इन्हें कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। ऊपर किसी तरह का कोई कैनोपी नहीं है और इसको लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग खड़े हैं और सारे लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की हुई है और ऑनलाइन में आपको लंबी कतार दिख रही है लेकिन ऑफलाइन बिल्कुल जो है ये काउंटर
खाली है, ऑनलाइन का मीनिंग और काफी नाराजगी इसको लेकर, काफी नाराजगी इसको लेकर कि डिजिटल पेमेंट जब इन्होंने किया हुआ है, सब कुछ ऑनलाइन बुक किया हुआ है, आखिर उसके क्या मायने है जब आपको कतार में खड़ा होना ही पड़ रहा है। क्या अभी चढ़वा स्कूल में पढ़ने लायक है, गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर रही है ना, जेसीए कर रहा है, जेसीए ही जो बैठा हुआ है, तो रिजिस्टर टिकट अवेलेबल करानी चाहिए ना, वह स्कूल लाइक करानी चाहिए, कम से कम काउंटर बढ़ाना चाहिए था, डिजिटल इंडिया जितना ये दिख रहा है, परेशान आने वाली स्कूल से पढ़ के नहीं मिल रहा है, जो कि ऑनलाइन का बारे में क्या बोल रहा है, आप क्यों खड़े हैं कि लाइन क्यों नहीं बढ़ रही है, टिकट नहीं मिले, मिल रहा है, लंच आवर कर दिया, एक घंटा मिल ही नहीं रहा, लाइन में तो पैसा भी ज्यादा ले रहे हैं और आधा घंटा भी नहीं दे रहा है। बहुत कुछ बोलना है, बताइए, बोलिए। थिंग इज कि झारखंड को बहुत मेकओवर का जरूरत है, आप लोग को आवाज उठाना चाहिए, आप रोड पे चलो लाइन में लगोगे, आप हॉस्पिटल जाओ लाइन में लगोगे, आप खाना खाने जाओ लाइन में लगोगे, आप टिकट लेने ऑनलाइन में पैसा कटाए 10% एक्स्ट्रा दे चार्ज कन्वीनियंस में, उसके लिए देखो कितना कन्वीनियंस दे रहे हैं, राइट, ये कन्वीनियंस दिया जा रहा है, यू गो टू एनी गुड सिटी, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, एनीवेयर, ऑनलाइन टिकट लेना है तो आपको क्या करना है, अपना आईडी प्रूफ एंड जो टिकट का आता है स्लिप मेल पे, वो मेल लेकर के आपको हार्ड कॉपी भी लेके नहीं जाने का, सॉफ्ट कॉपी भी, गो टू कॉफी कैफे डे काउंटर, गो टू पीवीआर काउंटर, दे विल हैव लाइक काउंटर्स जहाँ पे वो डिलीवर करेंगे, डिलीवरी पॉइंट, यहाँ पे डिलीवरी पॉइंट का हालत देख ले रहे हो, देखिए किस तरह की नाराज, महिला लोग के लिए ऑनलाइन अगर टिकट लिया है कोई महिला, वो कहाँ लेगा, लाइन कहाँ है, आप लाइन देखिए महिला का, कोई महिला का लाइन, मान लीजिए चाईबासा में कोई ऑनलाइन टिकट लिया तो 3 दिन पहले आके उसको टिकट लेना होगा, ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। देखिए ये लोग वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं कि अगर टिकट क्यों ले, अगर रांची के बाहर से किसी ने टिकट बुक कराया है, चाईबासा यहाँ से 3-4 घंटे की दूरी पे है, अगर दुमका में किसी ने बुक कराया है तो दुमका यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, वहाँ से अगर उसे यहाँ आना पड़ता है मैच देखने के लिए तो उसे तो होटल में पुटअप करना पड़ेगा और टिकट के लिए एक दिन एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। ये तमाम पॉइंट्स यहाँ जो क्रिकेट प्रेमी आए हैं, यहाँ पंक्ति में लगे हुए हैं, वो लोग अपनी नाराजगी जो है जाहिर कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।